हेलो फ्रेंड्स, टेक फैक्ट्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही स्पेशल ऐप है उन लोगों के लिए जो देश विदेश में, मेरे दोस्त, टूर पर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, और या फिर हमारे इंडिया में ही बहुत सारी भाषाएं हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होती है समझने में, सुनने में, बोलने में, ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होती है। तो इस ऐप की मदद से वो इजीली अपनी बात को दूसरे देश में जाके वहाँ के लोगों के सामने रख सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं या खुद समझ सकते हैं इजीली, वहाँ का जो लिखा हुआ है वो भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ, आपको बता देता हूँ इस ऐप के बारे में। दोस्तों, ये ऐप काम करती है जैसे आपने गूगल का एक सर्विस यूज़ की होगी जिसमें आप किसी इजीली एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों, इस ऐप, जिस ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये भी गूगल की एक ऐप है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी ऐप है। इसकी मदद से आप ना कि सिर्फ भाषा को ट्रांसलेट कर सकते हैं बल्कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको बोल के नहीं, आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाके प्ले स्टोर पर एक ऐप डाउनलोड करनी होगी। इस ऐप का नाम है गूगल ट्रांसलेट, तो मैं आपको उसको करके दिखा देता हूँ। सॉरी, गलत टाइप हो गया वैसे। ये देखिए, ऊपर गूगल ट्रांसलेट आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। गूगल ट्रांसलेट पर जाके आपको इसे डाउनलोड करना है। मैंने इसे चूंकि पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो मैं सिर्फ इसे आपको ओपन करके दिखाऊँगा। आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। देखिए, मैंने इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ सबसे पहली चीज़ आपसे पूछेगा कि आप प्राइमरी भाषा अपनी कौन सी रखना चाहते हैं और सेकेंडरी भाषा आप किस भाषा में चेंज करना चाहते हैं। मैंने प्राइमरी भाषा, आप जैसे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इंग्लिश रखी हुई है। आप चाहें तो कोई भी अपनी भाषा प्राइमरी रख सकते हैं, जैसे बहुत सारी भाषाएँ यहाँ पर। और जी हाँ दोस्तों, एक बात इसमें आपको पता होनी चाहिए कि आप इसमें से सिर्फ कुछ भाषाएँ जो हैं इसमें प्री इंस्टॉल है, पहले से दी हुई है, और कुछ भाषाओं को आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है दोस्तों। आप जैसे देख सकते हैं सिंबल लगा हुआ है डाउनलोड का, आप इस पर क्लिक कीजिए और इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हो गई हमारी प्राइमरी भाषा हो गई है, और सेकेंडरी भाषा मैंने हिंदी सेलेक्ट की हुई है। अब मैं जैसे यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, आप देख सकते हैं इंग्लिश से मैं टाइप करूँगा और ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि हेलो। हाउ आर यू, ठीक है। हमने इसमें यहाँ पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं दोस्तों, इसने इजली इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। और यही नहीं दोस्तों, इसने हिंदी की भाषा के साथ साथ नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ताकि जो दोस्त हमारे विदेशों में रहते हैं उन्हें पढ़ने में इजी आसानी हो, वो इजली इससे पढ़ सके, क्योंकि हिंदी तो उन्हें आएगी नहीं। नीचे लिखा हुआ है नमस्ते, आप कैसे हैं, ठीक है। तो आप इसी तरीके से दूसरी भाषाओं को भी किसी और भाषा में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी भाषा चूज़ कर सकते हैं, जैसे बंगाली हो गई, बॉस्को हो गई, बोस्नियन हो गई, बुल्गेरियन हो गई, तो आप किसी भी भाषा में से ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो इसका पहला तरीका हो गया जिसे मैंने आपको बताया। अब ये जो आपको कैमरे का आइकन दिख रहा है लेफ्ट में, इसके हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये कैमरा ओपन हो जाएगा इसका, और जो कुछ भी आप स्कैन करना चाहते हैं या जैसे आप कहीं पे गए हैं वहाँ पे किसी और भाषा में लिखा हुआ है और उसे आप अपनी भाषा में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं आप, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जाके उस भाषा की जो भी लिखावट है उस पर जाके इसको रखना है और इसे स्कैन करना है, ठीक है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, जैसे ये बुक है और बुक में मैंने जैसे इसे सिर्फ ऐसे रखा हुआ और ये ऑटोमेटिकली कन्वर्शन का काम कर रही है। आप जैसे देख सकते हैं थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होती है, बार बार चेंज हो रहा है ये, तो आप एक काम कीजिए, नीचे की तरफ ये जो रेड कलर का सिंबल है कैमरे का, आप उस पर क्लिक कीजिए और इसे पूरा का पूरा स्कैन कर लीजिए, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए इसने स्कैन करना चालू कर दिया है, और ये देखिए इसने स्कैन करके आपके सामने रख दिया। अब इसमें से जिस शब्द को या जिस वर्ड को आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मैं चेयरमैन पे क्लिक करता हूँ,
देखिए चेयरमैन पे क्लिक करते ऊपर दिखा दिया इसने अध्यक्ष, ठीक है, और मैं फॉर्मली पे क्लिक करूँगा तो फॉर्मली में इसने दिखा दिया है पूर्व में, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे, आप चाहें तो पूरा का पूरा एक सेंटेंस जो है इजली कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, इसे इजली आपको हो जाएगा, आप किसी भी भाषा में अपनी पसंद की भाषा में किसी भी भाषा से ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया एक दूसरा तरीका। अब इसी में मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको, आप इस पर क्लिक कीजिए कैमरे के आइकन पे दोबारा, ठीक है, ये मैंने क्लिक किया दोस्तों। मैंने पहले से ही एक जैपनीज पोयम जो है, सॉरी पहले मुझे सेलेक्ट करना होगा भाषा कि मैं किस में डाउनलोड, किस भाषा से किस भाषा में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जो इंग्लिश है उसे जैपनीज पे क्लिक करूँगा और हिंदी की जगह मैं ये इसे इंग्लिश कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जैपनीज से अगर मैं हिंदी करूँगा तो वो बहुत कुछ गड़बड़ कर देगा, लेकिन अगर जैपनीज से मैं इंग्लिश करूँगा तो इजीली वो ट्रांसलेट हो जाएगा। तो चलिए, मैंने पहले से एक जैपनीज पोएम डाउनलोड की हुई है, तो हम ये जो गैलरी का सिंबल है इस पर क्लिक करेंगे और गैलरी पर जाएंगे, हम गैलरी पर जाने के बाद एल्बम पे, और ये मैंने जो डाउनलोड की हुई है, देखिए पोएम मैंने डाउनलोड की हुई है जैपनीज में, ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया और ये उसे स्कैन करना इसने चालू कर दिया है, ठीक है। तो अब इसे आप उंगली की मदद से पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लीजिए अंगूठे की मदद से, ठीक, मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, देख सकते हैं, और ये मैंने इसे पूरा सेलेक्ट कर लिया है। अभी आप इस पर क्लिक कीजिए यहाँ पर, ये देखिए इसने यहाँ पर ट्रांसलेट कर दिया बड़ी ईजी तरीके से जैपनीज को, यहाँ लिखा हुआ है यू कैन डू इट विथ अ पावर टू पिक अप स्क्विरिट्स, ठीक है। तो बड़ी इजली इसने इसे चेंज कर दिया है जैपनीज से इंग्लिश ने। तो दोस्तों ये हो गया, इसके दो तरीके हो चुके हैं ट्रांसलेशन के, इस ऐप के बहुत ही बढ़िया है, जो कि मुझे लगता है आपको पसंद आएगी ये ऐप, ठीक है। अब इसका तीसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो ये माइक आप देख सकते हैं सामने, माइक दिख रहा है आपको, आप इस पर क्लिक कीजिए, ये देखिए क्लिक हुआ, सॉरी मैं इसको फिर से चेंज कर देता हूँ, अब की बार मैं इसे इंग्लिश से, सॉरी इंग्लिश से नहीं, अब हम इसे दूसरी भाषाओं में चेंज करके देखेंगे, इंग्लिश की जगह मैं इसे कर देता हूँ हिंदी, यार ये क्या हो रहा है, दो मिनट, इंग्लिश की जगह मैं अपनी प्राइमरी भाषा हिंदी रखता हूँ, और सेकेंडरी भाषा जो है मैं इसे बंगाली करने जा रहा हूँ दोस्तों। बंगाली काफ़ी मीठी भाषा है, तो हम इसे फिर से ट्राई करेंगे, माइक पे मैंने क्लिक किया, अब ये बोल रहा है कि आप बोलो, ठीक है मैं बोलता हूँ, कैसे हो आप, नमस्ते, दोस्तों मैं फिर से बोलता हूँ, ये देखिए इसने काफ़ी देर बाद रिप्लाई दिया और ये खुद उस भाषा में बोल रहा है, एक बार मैं फिर से आपको बोल के दिखाता हूँ, ठीक है, आपका स्वागत है, ये देखिए दोस्तों इसने नॉर्मली एक भाषा से दूसरी भाषा में इसने ट्रांसलेट कर दिया है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं उनकी भाषा में तो आप अपनी भाषा में बोलिए यहाँ पे, और आप सामने वाले को उसकी उसी भाषा में समझा भी सकते हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। भाषा देखा, काफ़ी फनी भी है और ये मज़ेदार भी है। अब बैक करेंगे हम यहाँ पे, अब मैं आपको चौथा जो तरीका मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे कि हिंदी है तो हिंदी में तो मज़ा आएगा नहीं, हम इसे इंग्लिश कर देते हैं, हमने इसे इंग्लिश पे क्लिक किया, और अब हम जो ये तीसरा सिंबल दिख रहा है आपको यहाँ पे सांप जैसा बना हुआ, इस पर क्लिक कर रहे हैं, अब हम इसे इंग्लिश से बंगाली में चेंज करेंगे, और वो भी ये सांप पे क्लिक करके सांप पे आ गए हम। तो दोस्तों अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है राइट हेयर, ये दोस्तों हमको यहाँ पे लिखना होगा, आप कुछ भी लिखिए यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ ऊपर इसने कुछ दे दिए मुझे
सेंटेंस या कुछ वर्ड्स दे दिए हैं जिनमें क्लिक करके कर सकते हैं, क्योंकि लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, शायद आप इजीली लिख सकते हैं। मैं इसे हाउ आर यू लिखता हूँ, ठीक है। और आप ये देखिए, इसने इजीली यहाँ पे दे दिया है अपानी केमाना अच्छे ना, इसने बंगाली में ट्रांसलेट कर दिया। तो आप इसी तरीके से किसी भी भाषा को किसी भी ऐप भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यह बहुत काम का है दोस्तों। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी परेशानी कमेंट कीजिए, या आपके सुझाव जो भी हैं मुझे कमेंट्स कीजिए। मुझे बहुत बेसब्री से इसका इंतज़ार रहेगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी कहिए इसे सब्सक्राइब करने के लिए। और इसी के साथ मैं अलविदा चाहूँगा। गुड नाइट दोस्तों।